हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, सब्जेक्ट है मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी। मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल फिफ्थ सेम के स्टूडेंट। इसके अलावा फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट की स्टडी बी और बीटेक के स्टूडेंट भी करते हैं, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट का नाम रहता है मेटल कटिंग। तो फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट के अंदर आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है टरेट लेथ मशीन। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, एक डेफिनेशन लिखी हुई है इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में। नीचे दो डायग्राम बने हुए हैं, एक एनिमेशन डायग्राम है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं टरेट लेथ मशीन एक्चुअल में कैसे दिखती है। इधर एक लाइन डायग्राम है जो है थ्योरी एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में एक साफ सुथरा लाइन डायग्राम बनाना पड़ता है, तो इस डायग्राम के थ्रू आप थ्योरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों डायग्राम को हम जूम करके समझाएंगे फ्रेंड्स, जिससे आप इसको अच्छे से नोट कर सकें और इसके जो पार्ट्स के नाम है उनको नोट कर सकें और पढ़ सकें। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझा रहे हैं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं, जो लेथ मशीन है वह डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें एक टाइप्स है जिसका नाम है टरेट लेथ मशीन। तो फ्रेंड्स हमें पहला पॉइंट याद रखना है कि टरेट लेथ मशीन है वह लेथ मशीन का एक टाइप्स है। अब दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसको भी आप ध्यान से सुने। जो टरेट लेथ मशीन है उसको कैसे बनाया गया, इसको बनाया गया फ्रेंड्स जो हमारी इंजन लेथ मशीन है, जो हमारी सेंटर लेथ मशीन है उसको मॉडिफाई करके टरेट लेथ मशीन का निर्माण किया गया। दूसरा पॉइंट याद रहेगा फ्रेंड्स, क्या कि इंजन लेथ मशीन है और जो हमारी सेंटर लेथ मशीन है उसको मॉडिफाई करके टरेट लेथ मशीन को बनाया गया। अब इसको कैसा बनाया गया, ये थर्ड पॉइंट है। इसको बनाया गया फ्रेंड्स सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन। कैसा, सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन बनाया गया, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना कि सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन इसको क्यों बोलते हैं और इसमें ऐसा क्या होता है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जो ऑपरेशन करते हैं किसकी सहायता से करते हैं, टूल की सहायता से। तो इसमें बिना टूल को चेंज किए, कई प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं एक साथ, जो नॉर्मली ऑपरेशन लेथ मशीन के ऊपर किए जाते हैं, जैसे कि बोरिंग है, ड्रिलिंग है, थ्रेडिंग है, फेसिंग है, टर्निंग है। इस प्रकार के जो ऑपरेशन है टूल को चेंज किए बिना एक ही बार में किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन उठता है इस मशीन का यूज कहां पर किया जाता है। तो जब हमें लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट का निर्माण करना हो, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करनी हो किसके, जो ट्रेड लेथ मशीन के थ्रू या लेथ मशीन के थ्रू, तब हम इस मशीन का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक जैसे पार्ट्स का निर्माण करना हो, ठीक है, तब हम इस मशीन का यूज करते हैं। तो हमें पॉइंट क्या याद रखना, जब हमें लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग करनी हो और एक जैसे पार्ट्स हो, एक जैसे दिखते हो, एक जैसे ऑपरेशन हो, तब हम इस मशीन का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन उठता है कि इसमें जो इतने सारे ऑपरेशन कैसे हो जाते हैं, तो हम आपको बता दें जो हमारी नॉर्मल लेथ मशीन थी उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। उसमें जो हमारा टेलीस्टॉक था, आपने देखा होगा, टेलीस्टॉक पढ़ा भी होगा जो राइट हैंड साइड में लगा रहता है, उसको रिप्लेस कर दिया गया। उसकी जगह जो लगाया गया उस पार्ट्स का नाम है हेक्सागोनल टरेट। क्या नाम है, हेक्सागोनल टरेट। हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सिक्स होल रहते हैं, सिक्स होल की जगह हम सिक्स प्रकार के टूल उसमें लगा सकते हैं। अब यह लगा कहाँ रहता है फ्रेंड्स, यह लगा रहता है जो हमारा सैडल रहता है, सैडल के ऊपर लगा रहता है हमारा हेक्सागोनल टरेट। और सैडल में जैसे ही हम परिवर्तन करते हैं, सैडल को जैसे हम स्लाइड कराते हैं, मूव कराते हैं, उसके साथ ही हमारा जो हेक्सागोनल टरेट मूव होता है और हमारे ऑपरेशन करता है। अब फ्रेंड्स ये तो हमारा ऑटोमेटिक तरीके से हो गया ये ऑपरेशन होंगे, लेकिन इसमें मैनुअली काम करने पड़ते हैं मैक्सिमम। जैसे कि हमें जो भी वर्कपीस लगाना है, जो भी प्रोडक्ट में हमें ऑपरेशन करना है, उस प्रोडक्ट को जो भी हमारा चक्र रहता है उस पर जो उस पर कसना पड़ता है या लगाना पड़ता है, वह मैनुअली करना पड़ता है। जो टूल चेंज करना है वह भी मैनुअली करने पड़ते हैं, इसकी साफ सफाई करना, इसमें जो कूलिंग करना वह भी मैनुअली करने पड़ती है। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, टरेट लेथ मशीन के बारे में। इससे पहले भी हम कैपस्टन लेथ मशीन पढ़ा चुके, वह आपने पढ़ी होगी, तो दोनों में डिफरेंस मैक्सिमम पूछा जाता है, वह भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है फ्रेंड्स, इसको मैं जूम करके समझा रहा हूं जिससे आप थ्योरी एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक साफ सुथरा डायग्राम आप देख रहे होंगे, जैसे कि सामने दिख रहा है आपको, जो एक थ्योरी एग्जाम के पर्पज से एक बहुत अच्छा डायग्राम है फ्रेंड्स। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, पूरा लाइन डायग्राम है, सभी पार्टों को मैंने अलग अलग कलर कर दिया जिससे आप इसको सामने से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको समझाने, आप सब ध्यान से सुनते जाएं। जैसा कि हम जानते हैं इसके नीचे सबसे पहले क्या रहती है, लेग रहती है। लेग क्यों रहती है फ्रेंड्स, इसकी पूरी मशीन का जो वेट रहता है किसके ऊपर है, इस लेग के ऊपर रहता है, जो भी वजन रहता है। यह लेग बनी, लेग्स बनी जाती है किसके थ्रू, किसकी, कास्ट आयरन की।
कास्ट आयरन की क्यों रहती है, जिससे जो भी वेट रहता है पूरा उसको बियर कर सके। इसके मैक्सिमम पार्ट जो भी कास्ट आयरन के ही बने रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके ऊपर क्या लगा रहता है, यहाँ पर ट्रे लगी रहती है, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं गई क्योंकि यहाँ पर मेन मेन पार्ट दिखाए गए हैं। ट्रे का काम होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारी चिप्स गिरती हैं जब इसकी ऑपरेशन होते हैं तो उस ट्रे में गिरते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर रहता है बेड, क्या रहता है फ्रेंड्स, बेड, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा बेड रहता है। बेड के ऊपर इसके जो पूरे मेन पार्ट्स रहते हैं वह माउंटेड रहते हैं, वह लगे रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, अब जो मेन बात मैं बता रहा हूँ वह आप ध्यान से सुनते हैं। मेन पार्ट स्टार्ट होता है फ्रेंड्स इसके लेफ्ट हैंड साइड से, हेड स्टॉक से, क्या यहाँ पर क्या लिखा दिख रहा है, हेड स्टॉक। हेड स्टॉक के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, हेड स्टॉक के अंदर एक क्या होता है, ये फीड बॉक्स लिखा हुआ फ्रेंड्स, इसके अंदर पूरे के अंदर क्या रहता है, एक गियर बॉक्स रहता है, एक स्पिंडल रहता है, एक क्लच रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब गियर बॉक्स क्या रहता है, गियर बॉक्स का यूज किया जाता है स्पीड में परिवर्तन करने के लिए और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो जो हमें स्पीड में परिवर्तन करना है, स्पीड को कंट्रोल करना हुआ है, बाहर एक लीवर लगे रहते हैं, उस लीवर की सहायता से कर सकते हैं। एक क्लच भी लगा रहता है फ्रेंड्स, क्लच की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, स्पिंडल को इंगेज और डिसइंगेज का काम कर सकते हैं। स्पिंडल के साथ इसमें जुड़ा रहता है फ्रेंड्स क्या, एक चक, क्या जुड़ा रहता है, चक। चक के साथ फ्रेंड्स क्या होता है, एक वर्क पीस कनेक्ट रहता है। स्पिंडल के साथ चक मूव होता है फ्रेंड्स, और चक का काम ही रहता है फ्रेंड्स सिर्फ वर्क पीस को पकड़ने का, या वर्क पीस उसमें फंसा दिया जाता है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो चक के अंदर क्या करते हैं, हम जिस वर्क पीस में, जिस पार्ट में हम ऑपरेशन करना है उसको चक के अंदर लगाते हैं, ठीक है। तो चक भी मूव होता है किसके साथ, स्पिंडल के साथ, और चक के साथ वर्क पीस भी मूव होता है, ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, होता है कैरिज। कैरिज भी एक पूरा सिस्टम है फ्रेंड्स, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि कैरिज के अंदर क्या होता है, क्रॉस स्लाइड रहती है, एक टूल पोस्ट रहता है फ्रेंड्स। टूल पोस्ट का काम हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या रहते हैं, यह जो इस मशीन के अंदर कैसा स्क्वायर टाइप का बना रहता है और अलग अलग स्लॉट कटे रहते हैं जिसमें से हम टूल को फंसा सकते हैं आसानी से, ठीक है। और इसके अंदर नीचे क्या रहता है, क्रॉस स्लाइड रहती है, क्रॉस स्लाइड के अंदर भी व्हील लगी जाती है, इस तरह की दिख रही होगी फ्रेंड। इस व्हील के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस का मतलब होता है ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसके अपोजिट, मतलब इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर नीचे खिसका सकते हैं इस टूल पोस्ट को, जिससे जो हमारा टूल है उसकी पोजिशन आ जाए किसके ऊपर, वर्कपीस के ऊपर सही सेट हो जाए, जिससे हमारा ऑपरेशन सही से हो सके। तो समझ में आया होगा क्रॉस स्लाइड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, या क्रॉस स्लाइड का यूज क्या होता है, ये जो हमारा टूल पोस्ट है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे करना और पोजीशन सेट करना हमारे किसके साथ, वर्कपीस के साथ, इतना समझ में आएगा। तो टूल पोस्ट को भी आगे खिसका सकते हैं फ्रेंड्स इस व्हील की सहायता से। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हमारा टूल पोस्ट है पूरा हमारा कैरेज है किसके ऊपर मूव करता है, यहाँ पर लीड स्क्रू। लीड स्क्रू फ्रेंड्स क्या होता है, जब हमें थ्रेडिंग वगैरह करना है तो ऑटोमेटिक तरीके से जो पूरा कैरेज बॉक्स है इस पर सेट कर दिया जाता है लीड स्क्रू पे, इस पर क्या होता है मूव होता रहता है, स्लाइड होता रहता है, कैसा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इतना आपको समझ में आएगा लीड स्क्रू का। नीचे एक फीड रॉड होती, क्या होती, फीड रॉड, जिसके ऊपर ये पूरे ऑपरेशन होते हैं, जो हमारा कैरेज बॉक्स है इसी के ऊपर मूव होता है, किसके ऊपर, फीड रॉड की, जो रॉड दिख रही है इसको बोलते हैं फीड रॉड, इसको बोलते हैं लीड स्क्रू। अब बात करते हैं इसके मेन पार्ट की, मेन पार्ट से फ्रेंड्स हेक्सागोनल टरेट। इस हेक्सागोनल टरेट को फ्रेंड्स जो हमारा टेलीस्टॉक था उसकी जगह रिप्लेस किया गया। हेक्सागोनल टरेट में बता चुका हूं फ्रेंड्स कि इसमें एक पार्ट रहता है जिसके अंदर 6 होल रहते हैं, 8 होल वाला भी यूज किया जा सकता है जिसमें 8 छेद होते हैं, 6 छेद होते हैं, 4 छेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम यूज करते हैं वह हेक्सागोनल टरेट यूज करते हैं, क्योंकि इसमें 6 होल रहते हैं, 6 होल वाला ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। 6 होल बने रहते हैं फ्रेंड्स 6 टाइप के टूल को सेट करने के लिए, 6 टाइप के टूल को सेट करते हैं जिससे हम 6 टाइप के ऑपरेशन एक बार में कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हेक्सागोनल टरेट का यूज भी समझ में आएगा। अब जो हेक्सागोनल टरेट लगा रहता है फ्रेंड्स सैडल के ऊपर, और सैडल के साथ ही ये आगे पीछे मूव होता है, उसी के साथ ही पूरे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सैडल को मूव कराने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक व्हील लगी जाती है, क्या लगी जाती है, व्हील लगी जाती है, इस व्हील के थ्रू हम सैडल को आगे पीछे मूव करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे पार्ट्स आपको समझ में आया होंगे, वर्किंग बहुत नॉर्मल है फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जिस पार्ट्स को हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है फ्रेंड्स, जिस पार्ट्स के ऊपर हमें ऑपरेशन करना है उसको इस चक पर यहाँ कस देते हैं और हम मशीन स्टार्ट करते हैं, जितनी भी स्पीड से चलाना है इस लीवर के थ्रू हम गियर सेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, और स्पिंडल हमारा मूव होगा, स्पिंडल के साथ हमारा चक मूव होगा, चक के साथ मेरा क्या मूव होगा फ्रेंड्स, जो वर्क पीस लगा हुआ है मूव होगा। हम इस टूल पोस्ट की और ये कैरेज बॉक्स की यहाँ पर भी लगा रहे थे उसकी साथ इस टूल पोस्ट को सेट कर लेते हैं, और हमें जिस जिस टाइप के ऑपरेशन करना है हम इस सैडल जो यहाँ पर लगा हुआ उसमें जो व्हील लगी उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल टरेट को आगे की ओर ले जाते हैं, उसको सही पोजीशन सेट करते हैं जिससे हमारे जितने भी टाइप्स के एक बार में ऑपरेशन हो सकते हैं उन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। और भी बता दूं फ्रेंड्स इसमें जो मैनुअल टाइप से क्या क्या कर सकते हैं, मैनुअल टाइप से हमें वर्कपीस सेट मैनुअल टाइप से मतलब अपने हाथों से ही चेंज करना,
जो भी हम पार्ट्स जब उसके पास ऑपरेशन हो जाते सारे टाइप्स के, तो हमें उस पार्ट्स को चेंज करना है तो हम मैनुअल करना है। इसमें जो भी टूल इसमें लगे रहे उस टूल को चेंज करना तो हमें मैनुअल अपने हाथों से करना है। इसकी साफ सफाई मैनुअली करना है। इसके इसमें जो गर्म हो जाती है तो हमें क्या करना है, जो भी कूलिंग करना वो भी हमें मैनुअल करना है। तो मैक्सिमम काम मैनुअल रहती है फ्रेंड्स। सिर्फ ये 6 टाइप के जो ऑपरेशन है वो है ऑटोमेटिक तरीके से एक बार में हो जाते हैं। ठीक है, इस मशीन के यूज में बता चुका हूँ कि जब हमें लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तब हमें इस मशीन का यूज किए जाते हैं, और जो हमारे लार्जर पार्ट्स रहते हैं उनका सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसकी तुलना में, कैपस्टन मशीन की तुलना में। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इसका एक्चुअल कैसी दिखती है मशीन वह मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मशीन आप देख सकते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ। इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉइंग का हो, न्यूमेरिकली हो, कोई थ्योरी हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा खर्च करना है कि लगभग 200 रुपए पर मंथ, 199 रुपए पर मंथ मैंने फीस रखी है, वह आप पे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे पे कर सकते हैं, जो मेरी जो मेरा चैनल है वहां पर जाएंगे, जहां पर सब्सक्राइब लिखा रहता है, जहां पर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उसके जस्ट बगल में एक ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट मेथड पहुंच जाएंगे। वहां पर अपने एटीएम कार्ड से आप 199 रुपए पे कर सकते हैं, जो कि एक महीने की फीस है। कितनी, एक महीने की, मतलब 199 रुपए सिर्फ एक महीने की फीस है। और एक महीने के अंदर हम क्या करेंगे फ्रेंड, जितनी कोशिश करेंगे मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो मेरा टारगेट है फ्रेंड सिलेबस कवर कराने का आपके 4 से 5 सब्जेक्टों का, वो है 3 महीना। 3 महीने अगर आप हमसे पढ़ लेते हैं, 3 महीने का टोटल खर्चा कितना आएगा आपका, सिर्फ 600 रुपए। और 600 रुपए आपको सिर्फ घर से पे करना है, घर पर ही पढ़ाई करना है। और पर्सनल मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, आपका व्हाट्सएप नंबर लूंगा, उसमें पर्सनल असिस्ट करूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, और उन सबके वीडियो बना के मैं आपको आपके मोबाइल नंबर पर भेजूंगा। उसी तरह आपको नोट्स बनाना है और पढ़ना है, आसानी से आप 600 रुपए में पूरे सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा लोग। अब मैं बता रहा था इस डायग्राम को फ्रेंड्स, तो एक एनिमेशन डायग्राम है फ्रेंड्स, ये थ्योरी एग्जाम के पर्पज से मैंने वीडियो बनाया, तो इसको सिर्फ आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर क्या होता है, हमारा हेड स्टॉक रहता है, इधर ये दिख रहा है हेक्सागोनल टरेट लगा हुआ जो मैं बता रहा था, एक टूल बॉक्स रहता है, यहाँ पर स्क्वायर टरेट टूल बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ भील लगी दिख रही होंगी जिनके थ्रू हम इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। ये जो हमारी शेडल है उसकी भील है फ्रेंड्स, इससे हम ये जो हमारा टरेट हेक्सागोनल टरेट है उसको आगे इस वर्क पीस के थ्रू ले जा सकते हैं। फीट शाफ्ट वगैरह है, स्टॉप रोड वगैरह है, क्रॉस फिट लीवर है, इसको ऊपर नीचे खिसका सकते हैं फ्रेंड्स, क्रॉस स्लाइड है, ये हैंड व्हील है, एक कैरेज पूरा बॉक्स है फ्रेंड्स। तो इस तरह आप देख सकते हैं, हमें सिर्फ मतलब रखना है एक ही डायग्राम से, जो हमने लाइन डायग्राम अभी आपको समझाया पूरी अच्छी तरह, उसी डायग्राम को आप नोट कर लें और अच्छे से पढ़ तैयारी करें। हम कोशिश करेंगे हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएं। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया करे तो उसको लाइक करें और पॉजिटिव कमेंट भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।